नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल। दोस्तों बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर न्यूज निकल के आई है। किम जोंग जो उत्तरी कोरिया का तानाशाह शासक था, उसकी मौत हो चुकी है। अमेरिका की बहुत सारी न्यूज एजेंसियों के साथ और यूरोपीय न्यूज एजेंसियों ने भी ये साफ साफ बता दिया है कि उत्तरी कोरिया के तानाशाह की मौत हो चुकी है किम जोंग की। तो बड़ी खबर आ चुकी है, आखिर क्यों नहीं दिख रहा उत्तरी कोरिया का तानाशाह? क्या मर गया तानाशाह या छोटी बहन ने कर दिया तख्ता पलट? क्योंकि वो भी तानाशाह से ज्यादा किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के सर्वोच्च नेता है। वे किम जोंग इल के पुत्र और किम सुंग का पोता। इसने 28 दिसंबर 2011 को अपने आप को तानाशाह बना लिया और उसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी थी। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनकी सेहत से जुड़ी कई खबरें आजकल मीडिया में चल रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में किम जोंग उनकी हार्ट सर्जरी की गई थी, जिसके बाद में उन्हें कहीं किसी सार्वजनिक मंच पर नहीं देखा गया। माना जाता है कि 15 अप्रैल को अपने दादा उत्तरी कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग की 108वीं जयंती के मौके पर स्मरणोत्सव में भी शामिल नहीं हो पाए। वर्ष 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता हासिल करने के बाद में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब किम जोंग उनने इस समारोह में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही बात करते दोस्तों किम जोंग उनके अचानक गायब होने के साथ ही ऐसी खबरें भी आ रही है कि उनकी छोटी बहन किम यो जोंग की पार्टी में मुख्य भूमिका में लाया गया। किम परिवार में शुरू से ही सत्ता के लिए अपनों को रास्ते से हटाने और उन्हें मरवाने का इतिहास रहा है। ऐसे में यह कहने से भी इनकार नहीं कर सकते कि किम यो जोंग ने शायद सत्ता के लिए ही अपने भाई को रास्ते से हटाया होगा। इन खबरों की पुष्टि करना भी किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाला, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय एजेंसियों ने साफ साफ बता दिया। उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई है, क्योंकि दुनिया को नॉर्थ कोरिया के बारे में वही जानकारी मिलती है जो वहां की स्टेट मीडिया रिपोर्ट करती है। ऐसे में अगर किम जोंग उनकी मौत हो भी चुकी होगी तो भी इस खबर का बाहर आना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सुप्रीम लीडर की हेल्थ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जाता है और अक्सर उनके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी को गोपनीय भी रखा जाता है। किम यो जोंग द्वारा किसी संभावित तख्तापलट और उनके द्वारा किम जोंग की हत्या की खबरें इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इस साल की शुरुआत से ही किम यो जोंग राजनीति में काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही थी। इस साल मार्च में उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ऑफिस पर सीधा हमला भी बोला था जब दक्षिणी कोरिया ने उत्तरी कोरिया के सैन्य परीक्षणों की आलोचना की थी। तो किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मूर्ख कहा था और यह उनका पहला राजनीतिक बयान था। किम यो जोंग की बहन का उनकी राजनीति में सक्रियता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि वह नॉर्थ कोरिया के प्रोपगेंडा से जुड़े मामलों की अध्यक्षता करती थी और वे कई मौकों पर सार्वजनिक जगहों पर अपने भाई के साथ भी देखी जा चुकी है। जब हनोई में पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप और किम यो जोंग की बीच मुलाकात हुई थी तो उसके पीछे किम यो जोंग का ही दिमाग था। इसके अलावा वर्ष 2018 में प्योंगचोंग विंटर ओलंपिक में वे अपने भाई का दूत बनकर दक्षिणी कोरिया में गई थी और वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ भी दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति मून के साथ फोटो फ्रेम शेयर कर चुके। इसके अलावा अप्रैल महीने में ही उन्हें नॉर्थ कोरिया की वर्कर पार्टी के पॉलिटिकल ब्यूरो में बड़ा पद भी दिया गया था, जिसके बाद इस बात के अनुमान में काफ़ी बढ़ गए कि किम जोंग उनकी बहन ने ही मुख्य भूमिका निभाई और उन्हें ही तख्ता पलट के लिए किम जोंग की हत्या की है। तो ये बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों, किम यो जोंग की तस्वीरें भी वायरल हो चुकी है कि उनकी मृत्यु को लेकर। यह बड़ी जानकारी आपको